हेलो एवरीवन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैगन एसटी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि सर प्रीवियस क्वेश्चन करवा दिए, हमारी एग्जाम आने वाली है। तो आज हम जो एग्जाम देखेंगे, ये हमारा पेपर है, यहाँ पर देख सकते हो, ये प्रीवियस पेपर है। अप्रैल 2022 में पेपर हुआ था, मेरे पास पेपर आया है। ये पूरा पेपर एग्जाम का ये प्रीवियस पेपर है, ठीक है। काफ़ी मेहनत से आप लोगों के लिए मैंने एडिट किया है और प्रस्तुत किया। इसमें आप लोगों का ये सपोर्ट चाहिए, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक मतलब भाई चार लोगों को शेयर करेगा, ठीक है। ये आप लोग अपने आप से प्रॉमिस करना। अगर आप निमी का सॉल्यूशन चाहते हो, वो भी मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, लेकिन ये क्लासें आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो निमी है, डीजीटी है, वो हमारे आईटीआई की जो एग्जाम है वो डीजीटी को फॉलो करती है, और डीजीटी में जो क्वेश्चन आते हैं वो निमी से आते हैं, हर बार आते हैं 2018 से लेके अभी तक, और इस बार भी आएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम व्हाट्सएप की, वहां से आप लोग हमको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर क्या होगा, इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। व्हाट्सएप पे ज्वाइन करना चाहते हो, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप अदर एड्रेस से हो तो आप लोग हमें कमेंट करके बता देना, लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब के साथ में जो बेल आइकन होती है, जब तक आप वो प्रेस नहीं करोगे तब तक हमारी वीडियो आप तक एकदम जो विद इन सेकेंड में जैसे हम अपलोड करेंगे वो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है। साथ में आपको भी क्वेश्चन का आंसर देना है और हम अच्छे से करेंगे इन क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो को प्लीज आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जितना हो सके उतना शेयर कर देना, बस मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करेंगे शुरुआत। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, ये ना समझे कि यार ये हमारे लिए नहीं है, ठीक है, इसलिए इनको पूरा अच्छे से देख लें। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो, क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। ये आप देख सकते हो, ये यहाँ पर एक सिंबल दिया हुआ है, ये चेतावनी का है चिन्ह का, किसका है, ये आवश्यक चिन्ह का है, ये निषेध चिन्ह का है, ये सूचनात्मक चिन्ह का है, किसका है वो हमें बताना। अगर फर्स्ट एंड सेफ्टी वाला अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा वो हमें बताना है। अगर जो भी ट्रेनी ऐसे हैं, इसका सही ऑप्शन क्या लगा रहे हैं, आप लोग आंसर देते चलिए जल्दी से जल्दी। अगर आप इसका सही आंसर लगा रहे हो, क्या सूचनात्मक चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह अगर आपने लगाया है तो ये आपका एकदम सही हो जाएगा और दो नंबर आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। और चेतावनी का कैसा होता है, त्रिकोणीय होता है, ठीक है, उसकी जो पृष्ठ होती है पूरे पीले रंग की होती है, उस पर सिंबल जो क्रॉस होता है वो काले रंग का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ही हमारा पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, आप लोगों का उम्मीद करूंगा पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा ये रहा, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और हाँ, आईटीआई की एग्जाम जब होती है उसमें दो फुल फॉर्म हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है इसका आंसर कर दीजिए, बीआईएस का फुल फॉर्म क्या होता है, बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, या बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, या ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इसका सही आंसर क्या होगा वो आप लोग बता दीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। अगर आप इसका क्या लगा रहे हो, बोर्ड ऑफ नेशनल, यहाँ पे बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, अगर आप फर्स्ट ऑप्शन लगा रहे हो तो ये आपका गलत हो जाएगा। सभी लोग सही आंसर देना है, ठीक है। चलिए इसका सही आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, इसका फुल फॉर्म जो होता है बीआईएस का वो होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, तो इसलिए इसका सेकंड वाला सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए ये रहा क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ चलिए ये रहा क्वेश्चन, और ये सभी प्रीवियस क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हो अप्रैल पेपर 2022 का पेपर है, ठीक है। भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया था वो हमें इसमें बताना है, तो बताइए इसका, विंच, क्रेन और स्लिंग, या लेयर ऑफ रोलर्स, या मशीन चलित प्लेटफॉर्म, तो इसका सही आंसर क्या होगा वो हमें बताना है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करिए, चलिए कमेंट करिए। तो ये हमारा सही हो जाएगा, क्रेन और स्लिंग, ठीक है, सही आंसर इसका यही हो जाएगा।
बी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन ये रहा। और ये आपका टूल से संबंधित क्वेश्चन है, जो हमारा टूल होते हैं ना उससे संबंधित ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है इस हथौड़े का क्या नाम है? ये हथौड़ा आप देख सकते हो, इसका ये बताना है इसका नाम क्या है, ये कौन सा हथौड़ा है बताइए जल्दी से आप लोग। कौन सा हथौड़ा होगा, किला हथौड़ा या फिर बाल पिन हथौड़ा, क्रॉस पिन हथौड़ा या स्ट्रेट पिन हथौड़ा? ये इस हथौड़े को देख लीजिए, इस हथौड़े को क्या बोलते हैं? तो आपने अगर टूल्स वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आप लोग बता देंगे क्लब हथौड़ा, ठीक है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये कौन सा हथौड़ा हो जाएगा हमारा, क्लॉ हथौड़ा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन ये रहा, ये भी हमारा टूल से ही संबंधित है, इसे हम क्या बोलते हैं? चलिए बताइए, एक्स से चिन्हित रेती के भाग को, ये हमारी क्या है, रेती है, लेकिन इस भाग को पूछा गया है, इस भाग को क्या कहते हैं? एज हील टैंग शोल्डर क्या बोलते हैं वो बताइए, इसे क्या बोलते हैं? तो इसे क्या बोलेंगे, हील बोल देंगे। क्या बोलेंगे इसको, इसको हील बोलेंगे, ठीक है, बहुत ही शानदार। तो इसका बी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन ये भी हमारा किससे संबंधित है, ये भी हमारा एक टूल से ही संबंधित है। तो क्वेश्चन आप जल्दी से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन कह रहा है मोटाई छेनी का क्या उपयोग है, जो हमारी मोटाई छेनी होती है वो क्या वर्क करती है, वो हमें इसमें बताना है, क्या वर्क करती है आप लोग अच्छे से बता देंगे, कि आप लोग बताएंगे क्या ऑप्शन कर देंगे कमेंट में, लकड़ी में आयताकार छेद करना, लकड़ी में आयताकार छेद करना, तो इसलिए इसका सेकेंड आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सेकेंड आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करते चलिए, और बाद में जब आप ऑफलाइन में इस वीडियो को देखो तो कमेंट करके आप लोग जरूर आंसर बताना कि आपका 25 में से कितना स्कोर हुआ, 25 एमसीक्यू करवाएंगे, 25 में आपका जितना भी स्कोर हो कमेंट करके जरूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ में उसके बेल आइकन उसको भी प्रेस कर लेना। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कोई भी आंसर इसका नहीं दे सकता है, सभी लोग इसका आंसर दे सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन वाले, इस जोड़ का नाम क्या है, इलेक्ट्रीशियन, सबसे पहले ये जोड़ के बारे में आपके जो ट्रेनिंग ऑफिसर होते हैं वो आपको इसके बारे में जरूर बताते हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, एरियल टैप जोड़, या फिर हम कहेंगे नॉटेड टैप जोड़, या डुप्लेक्स क्रॉस टैप जोड़, या फिर डबल क्रैश टैप जोड़, तो इसे क्या बोलेंगे वो हमें इसमें बताना है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कर दीजिए फटाफट, इसका सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, इस ये जोड़ जो है ये बोलेंगे इसे नॉटेड टैप जोड़, क्या बोलेंगे, नॉटेड टैप जोड़, यानी इसका बी ऑप्शन, 7 का बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन ये रहा, एक क्वेश्चन ये है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम चालक की चालकता क्या मान है, एल्यूमिनियम की चालकता का चालक बहुत चालकता का चालक की चालकता का मान पूछा गया, 60 ओम अपॉन मीटर, 56 ओम मीटर, या फिर हम कह सकते हैं 35 ओम अपॉन मीटर, या 28 ओम अपॉन मीटर, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा वो बता दीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो जो भी ट्रेनी हमारे आईटीआई के हैं वो लगा रहे हैं क्या, वो लगा रहे हैं 35 ओम अपॉन मीटर, तो सी ऑप्शन वाले क्या हो जाएंगे, सभी सही हो जाएंगे, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन वाले एकदम सही हो जाएंगे, बहुत ही शानदार तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। और इन क्वेश्चनों को अगर कॉपी में नोट डाउन करना चाहते हो तो कॉपी में नोट डाउन भी कर लेना, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% 25 में से 2-4 तो क्वेश्चन, 4 या 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में अदर शिफ्ट में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, केवल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए रेटिंग कारक क्या है, 1.11, 1.23, 0.23, 0.81, 0.071, जल्दी से फटाक से इसका आंसर कर दीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए ट्रेनी जल्दी जल्दी आप लोग आंसर इसका करिए, क्या हो जाएगा, चलिए कमेंट करिए इसका क्या हो जाएगा,
तो जो भी ट्रेनी ऐसे हैं जो लगा रहे हैं क्या, इसका सी ऑप्शन, सी ऑप्शन 0.81 वाला सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग पूरी वीडियो को देखना एंड तक और काफी आपको इसमें प्रॉफिट मिलेगा वीडियो से। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये है, क्वेश्चन जो कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग है, लाइन की लंबाई को बढ़ाना, आंतरिक और बाह्य रिंग स्थापित करना, चालक पर यांत्रिक तनाव आवश्यक नहीं है, या हम कह सकते हैं क्या, हम कह सकते हैं सिरोपरि लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु। तो सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, तो जो इसका लास्ट ऑप्शन लगा रहे हैं यानी जो भी ट्रेनें हमारे ऐसे हैं वो लगा रहे हैं सिरोपरि लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जुड़ना, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका यही यानी कि फोर्थ वाला या डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन ये रहा 11 नंबर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आप लगा दीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार ये एग्जाम में क्या हुआ है, रिपीट हुआ है, ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, चलिए बताइए तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, 13, 18, 29 कितने होते हैं वो हमें इसमें बताने, बताइए कितने होते हैं। तो जो भी हमारे आईटीआई के ट्रेनी ऐसे हैं जो क्या लगा रहे हैं, जो लगा रहे हैं 18 वाले सही हो जाएंगे, 18 यानी इसका सी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन, ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियां कौन सी हैं, धारा प्रतिरोध एवं शक्ति, धारा वोल्टेज और प्रतिरोधकता, धारा वोल्टेज और प्रतिरोध या वोल्टेज प्रतिरोध और धारा दक्षता। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको आसानी से कर सकते हो। क्या होगा इसका सही आंसर, ओम के नियम से संबंधित कौन सी राशियां हैं, तो वो हो जाएंगी हमारी कौन सी, धारा वोल्टेज और प्रतिरोधकता। एक मिनट, हाँ प्रतिरोधकता नहीं, प्रतिरोध हो जाएगा यानी धारा वोल्टेज और प्रतिरोध, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, प्रतिरोधकता वाला नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन ये रहा, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है, तापमान प्रभाव, तापमान के नियम, तापमान नियतांक या तापमान गुणन। जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। तो जो भी ट्रेनी हमारे ऐसे हैं इसका लगा रहे हैं क्या, तापमान गुणक, तापमान गुणक जो भी लगा रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, एकदम सही हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, बहुत ही सरल। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये देखिए, और ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए बताइए आप लोग, क्वेश्चन क्या कह रहा है, चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, चालक यानी कि हम कह सकते हैं कंडक्टर, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, तो बताइए लंबाई, प्रतिरोधकता, तापमान, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो 14 नंबर का हमारा सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आप लोग लगा रहे हो, क्या डी ऑप्शन, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका 14 का। चलिए आगे देखते हैं, आए क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कह रहा है फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या है, टेस्ला, वेबर, वेबर पर मीटर या एम्पियर टर्म्स, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो आप लोग बिना एकदम सोचे समझे लगा देंगे टेस्ला, टेस्ला इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या टेस्ला। प्लीज इस वीडियो को आप पूरा देख लो, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, साथ में उसके बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन ये रहा, ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, टीवी ट्यूनर में,
ढोलक ध्वनि विस्तारक में यंत्र में या फिर रेडियो रिसीवर में। तो कैन यू ट्यून वो वायु संधारित्र का उपयोग किस में करते हैं वो बताना, बताइए आप लोग, कमेंट कर दीजिए फटाफट, तो कमेंट जल्दी कर दीजिए इसका। तो हम करेंगे वायु संधारित्र का उपयोग रेडियो रिसीवर में करते हैं, किसमें, रेडियो रिसीवर में हम वायु संधारित्र का प्रयोग एंड वायु कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं, एयर कैपेसिटर का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कह रहा है एसी समानांतर परिपथ में प्रेरकत का पारस्परिक क्या है, प्रतिघात, एडमिटेंस या चालकता या सबस्टेंस। तो कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा 17 का, वो हो जाएगा सबस्टेंस, यानी कि इसका डी ऑप्शन 17 का, अगर आप डी ऑप्शन लगा रहे हो तो ये आपका सही हो जाएगा, क्या 17 का डी। चल जाएंगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है और ये क्वेश्चन दो बार एग्जाम में पूछा गया, दो बार 2021 में भी पूछा गया था और 2019 में भी पूछा गया था, ये क्वेश्चन दो बार पूछा गया था, ठीक है। तो एसी सर्किट के लिए रिएक्टिव पावर पीआर का सूत्र क्या है, तो बताइए इसका सूत्र क्या है वो हमें बताना है। तो वो कुछ नहीं होता है, पीआर बराबर वी साइन थीटा, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन एकदम इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं आगे क्वेश्चन दिया, ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिनट, चलिए हाँ क्वेश्चन बताइए, एकल फेज एसी परिपथ में कलांतर कितना होता है, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180, 270, तो कितना होता है वो हमें इसमें बताना है। आप लोग कमेंट कर दीजिए जल्दी से, इसका सही आंसर 19 का क्या होता है, कितने डिग्री होता है, बिल्कुल सही, जो भी ट्रेन इसका क्या लगा रहे हैं मालूम, 120, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री वाला इसका सही आंसर फर्स्ट वाला, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, और ये क्वेश्चन ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कहते हैं विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है, तो आप लोग बोल दोगे कि विद्युत क्या हो जाएगा, एक मिनट, विद्युत आवेश की इकाई जो होती है वो क्या होती है, आप लोग बोल देंगे बिना कहें कि विद्युत आवेश की इकाई हमारी, एक मिनट, क्या होती है, तो आप लोग लगा दोगे इसका, यानी विद्युत आवेश की इकाई कूलाम होती है, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन वाले सभी सही हो जाएंगे, विद्युत आवेश की इकाई कूलाम होती है, बहुत ही शानदार। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन 21, 21 नंबर क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कह रहा है द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करते हैं, जो हमारे द्वितीयक सेल होते हैं ना जिनको हम चार्ज कर लेते हैं, प्राथमिक सेल को हम क्या कर नहीं सकते, चार्ज नहीं कर सकते हैं, द्वितीय सेल को हम चार्ज कर सकते हैं, तो द्वितीय सेल किसके नियम से कार्य करते हैं, तो आप बता देंगे द्वितीयक जो नियम है वो हमारा किसके नियम से मतलब कार्य करता है, तो आप लोग बता देंगे फैराडे के विद्युत अवघटन के नियम से, तो इसका भी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन हमने 21 तक क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 22 देखते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, ये आ चुका है, सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए पीवीसी नली का अधिकतम आकार क्या होगा, 12 mm, 19 mm या फिर 25 mm या फिर 50 mm, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी आप लोग कमेंट कर दीजिए 22 नंबर का, तो वो हो जाएगा 25 mm वाले एकदम सभी सही हो जाएंगे, जो भी हमारे ट्रेनी हैं जो 25 mm लगा रहे हैं वो सही हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन कह रहा है कंड्यूट पाइप कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं, लंबाई मीटर में, दीवार की मोटाई mm में, या फिर आंतरिक व्यास mm में, या फिर बाह्य व्यास mm में, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका बाह्य व्यास mm में, यानी कि मिलीमीटर में, ठीक है, थर्ड वाला इसका सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन ये रहा ये बताना है सामग्री प्रतीक का नाम है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये बताना है कि कौन सा सिंबल है, वेल पुश स्विच, टू वे स्विच, दो ध्रुव वन वे स्विच, या बहु स्थित एकल स्विच,
ये कौन सा है वो हमें बताना है, तो आप लोग बता देंगे, इसे बोलेंगे बहुस्थिति एकल ध्रुव स्विच। इसका आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा और इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सिंबल से आपको दो क्वेश्चन आईटीआई में देखने को मिलेंगे, ठीक है। दो सिंबल से और दो ही दो तीन कम से कम आपको फुल फॉर्म देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, और 25 नंबर ये हमारा क्वेश्चन है। कितना? 25 नंबर ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। इसका आपको हमें कमेंट करके आंसर देना है। क्वेश्चन कह रहा है मध्यवर्ती स्विच के साथ कितने टू वे स्विच एक लैंप को तीन अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। एक दो तीन चार, इसका जो भी आंसर हो आप लोग हमें कमेंट करके बता देना इसका सही आंसर क्या है। तो सही आंसर के लिए मैं आपको बता दूं थोड़ा सा हिंट, ए और बी में से कोई एक है, ठीक है। तो ए और बी में से कोई, कमेंट अपना नाम और अपना इसका जो भी आंसर हो आप लोग हमें कमेंट करके बता देना। इस वीडियो को शेयर कर देना, नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको वीडियो नहीं मिलेगी, उसके साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना, और पर जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो विद इन सेकंड में हमारी वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को जरूर चार लोगों तक शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय।